तो एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सबका हमारे YouTube चैनल देसी बॉयज पे। आवाज आपको लेकर चलता सात समुंदर पार। चलो yes. Actually, ये भाई ने इसलिए मेंशन करा क्योंकि आज हम एक बॉलीवुड का एवरग्रीन गाना जो कि आज भी अगर आप पार्टी कर रहे हो और आपके घर में ना बजे ऐसा बजे तो वो आपकी पार्टी अधूरी सी लगती है। एग्जैक्टली, चाहे वो लड़कों की पार्टी हो, लड़कियों की पार्टी हो, मतलब किसी भी एज की पार्टी हो, डजंट मैटर। ये तो मतलब ड्रिंक करने के बाद उसी पे डांस प्रेफर करते हैं यार, बिना ड्रिंक करे भी बंदे उसमें, मतलब ये बहुत ज्यादा खो जाता है गाने में, कुछ ऐसी एनर्जी है, तो एक ऐसी वाइब है, पॉजिटिव वाइब ना, जो थकान भी ऐसा लगता है ना कि हाँ एंजॉय कर रहे हैं। तो सॉन्ग का टाइटल है सात समुंदर पार। दिव्या भारती, ओ माय गॉड, उनके बारे में बात ना करे तो ही अच्छा है गाइस। यस मींस प्रिंस। बेसिकली हम इस मूवी के बारे में बात करें, जिस मूवी का नाम है विश्वात्मा एंड उसी का ये बेहतरीन गाना है। तो का सहारा लेना छोड़ दे कात्या, अपना सनी देओल पाची इसमें है। मतलब देखा था मूवी, काफी अच्छी एनर्जेटिक मूवी, काफी एक्शन थ्रिलर दिखाया गया था मूवी में। तू चाहता है मैं तेरा कुत्ता बन के रहूं, तू कहे तो भोकू, तू कहे तो काटू। आते बात करते हैं इस गाने की, तो पहले मैं तो कहूंगा पहले इस बेहतरीन गाने की वीडियो देखते हैं, उसके बाद इस गाने के डिटेल के बारे में डिस्कस करेंगे। यस, तो चलो दोस्तों चलते हैं सात समंदर पार। लेकिन अभी मैंने देखी ये रोटी रोटी है भाई। पांडे Oh,
इसी गाने पे ऐसे थिरकते अभी आगे का बोल सुबह पनवेल मजा आ जाते मतलब तो इस गाने के लिए थैंक यू किसको बोलोगे? पहले तो आनंद बख्शी साहब को, विजू शाह को जिन्होंने बहुत प्यारा म्यूजिक दिया, आनंद बख्शी साहब ने जिन्होंने ऐसे वर्ड्स लिखे हैं, और साधना सरगम जिनकी आवाज में गाना हम सुनते हैं। ये सब अच्छा था, और जिस तरीके से दिव्या भारती ने डांस किया यार, स्टार कास्टिंग में तो ये मूवी सारे जो इसमें एक्टर्स एक्ट्रेसेस सारे एग्जैक्टली, एंड इसमें विलन भी वैसे ही है, विलन भी ऐसे बैडमैन रेपिस्टा बैंड किसको अमरीश पुरी अमरीश मेन विलन वही होते हैं इसमें। आफ्टर ऑल ये मूवी भी इतनी बढ़िया है, एंड इस गाने की तो बात ही मत करते हैं। मुझे लगता है कि जनरेशन बाय जनरेशन जैसे चेंज होते हैं, हम लोग भी अपने बच्चों को रिफर करेगा ये गाने पे सुन, ये रेफर करेगा सॉन्ग लेंगे इसके, इस गाने जैसा सॉन्ग कभी नहीं आएगा गाइस। इस गाने की दिल से तारीफ करेंगे हम, इस गाने की हम दिल से तारीफ करेंगे गाइस, क्योंकि हमें बहुत पसंद है, क्योंकि हमें बहुत पसंद है, आपको भी पसंद है हम जानते हैं। हमारा एंजॉय तुम्हें कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में आके बताओ। तो तीन चीज करो, लाइक शेयर कमेंट। तो आज के लिए इतना काफी, आई थिंक काफी ना। तो आज के लिए बस इतना ही, हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 फ्रॉम द देसी बॉयज।